आदब नजरीन मैं आपके दोस्त और होस्ट के बी जानी आप सभी का खैर मकदम करता हूँ हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में दोस्तों जिस तरह बॉलीवुड में अलग अलग कैरेक्टर्स निभाने वाले अदाकारों में एक बहुत ही मशहूर नाम है मुश्ताक खान साहब का जो वो स्टाइल आर्टिस्ट है और कई फिल्मों में आपने देखा हर तरह का किरदार वो निभा चुके हैं आज हमारे इस स्टूडियो में मौजूद है आपका बहुत बहुत ख़ैर मकदम है और बड़ी खुशी हो रही है कि आपने हैदराबादी सितारे शो के लिए वक्त निकाल ही लिया और आप यहाँ पर मौजूद हैं सबसे पहले तो सभी हैदराबादी मेरे भाइयों बहनों बच्चों बुजुर्गों को मेरा अस्सलाम वालेकुम आदाब हैदराबादी को मैं बहुत पसंद करता है मेरे को बहुत अच्छे लग लगते लोग है ना आई लव दैम मैंने यहाँ पे बहुत शूटिंग किया है और आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ पर हैदराबाद सितारे के लिए बैठा साहब मेरे साथ हैं मुश्ता खान साहब शुरुआत में वही कि हमारे हैदराबादी सितारे के जो ऑडियंस है वो जरूर जानना चाहेंगे कि किस तरह आपके करियर की शुरुआत हुई वो हमें जरूर बताएं करियर की शुरुआत तो जैसे ज्यादातर लोगों की होती है जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया संघर्ष किया है मेरी भी वैसी हुई साहब अच्छा और मेरी ऐसी हुई है कि मेरे घर में कोई नहीं चाहता था मेरे खास करके मेरे वालद मेरे माँ बाप बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं इस लाइन पे आऊँ वो मुझे इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहते थे लेकिन मेरे बड़े भाई जो महफूज खान है वो उनको मालूम था कि यार ये ज्यादातर इंटरेस्टेड है एक्टिंग में अच्छा मैं क्लास सिक्स से ही मतलब जो है ना मैं शुरू कर दिया था मैंने स्टेज पे बोलना स्टेज में गाना गाना स्टेज में मोनोलॉग देना ना, मोनो एक्टिंग करना और ब, 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 अपने स्क्रिप्ट लिखना वो फिल्में देखना हालांकि देखिए मेरे यहाँ गांव में थिएटर भी नहीं था लेकिन मैं मेरे गांव से कुछ 40-45 किलोमीटर दूर जी। तो एक शहर था छोटा वहाँ पर मैं जाकर के पिक्चरें देखा करता था थिएटर में तो ये था तो एक लगन थी शौक था और बस ये लगता था कि बस यही करना है लेकिन घर वालों का बड़ा मुश्किल था कि भैया वो तो चाहते कुछ और वे इस लाइन को अच्छा नहीं समझते थे सही ना। 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 का भी इसका रीज़न यही था बट मैं बस इसी में लगा रहा मेरे भाई ने इसमें मेरी बहुत uh, <clears throat> मदद की और जब मैं कॉलेज में पहुंच गया वो जो शहर में जहाँ पर मैं पिक्चर देखने जाया करता था तो वहाँ पर मैंने एक फॉर्म भरा एक मायापुरी में इश्ते था कि हम एकेडमी के बारे में नेशनल एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक्टिंग के तो ऑडिशन के लिए आ जाइए तो वो फॉर्म मैंने ऐसे भर दिया था देखते हैं क्या होता है वो मेरे को कॉल आ गया अच्छा हाँ वो कॉल आ गया तो मैं फिर आ, जब मैंने घर में बोला तो हंगामा मच गया हाँ। नहीं 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 ऐसा ऐसा अब लेकिन मेरे भाई ने मेरी बहुत सपोर्ट की बहुत बोला कि नहीं नहीं देख जाने दो उन्होंने दूसरे तरीके से लिया कि थोड़ा उसका एक जाने दो मुंबई चला जाएगा आ जाएगा वापस दो तीन महीने में में आ जाएगा तो फिर मेरे मदर मतलब फादर ने मुझे परमिशन दी और इस तरह मैं मुंबई आया जब एक बार मुंबई आ गया तो फिर तो फिर मैंने मेरा ऑडिशन हुआ पास हो गया ऑडिशन में फिर वो कुछ ढाई उसका ढाई हज़ार रुपये उसकी फ़ीस थी वो भी मेरे भाई ने भेज दिया इस तरह करते 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 आ, मैं वहाँ पर जम गया फिर हमारे एक और वेलविशर थे मिस्टर सुरेश जरकर उन्होंने बोला यार वहाँ पर तो थिएटर है वो थिएटर ज्वाइन कर लो उसका नाम है इप्टा आई पी टी ए इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन बहुत बड़ा मशहूर है जिसमें ए के हंगल बल्रा सानी संजीव कुमार भरत कपूर राकेश बेदी और अच्छे अच्छे डायरेक्टर डायरेक्टर लाइक एम एस सत्यों जिन्होंने गर्म हवा बनाई थी बिल्कुल रमेश तलवार जिन्होंने दुनिया जमाना दूसरा आदमी बड़ी 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 फिल्म वो सब लोग इन्वॉल्व थे उसमें अच्छा हाँ कैफी आजमी शबाना आजमी हाँ। फारूक शेख ऐसे ऐसे लोग थे वो मैंने ज्वाइन किया उससे मुझे बहुत फायदा हुआ उससे ही इन शॉर्ट मुझे थिएटर ने ही फिल्मों में लाया वहां पर अपने आ, सबसे पहले तो वो आए थे अपने इस्माइल श्रॉफ जिन्होंने थोड़ी सी बेवफाई में थी उसमें उन्होंने छोटा सा रोल दिया मुझे राजेश खन्ना के साथ वो मेरा नाटक देख करके और उसके बाद सबसे बड़ा जो मेरे पास जो ब्रेक थ्रू मेरे को मिला वो सलीम भाई सलमान के फादर जी सलीम खान जो राइटर जावेद सलीम बिल्कुल सलीम जावेद सलीम जावेद वाले वो उन्होंने मेरा एक नाटक देखा नाटक का नाम था लोक कथा जिसको रमेश तलवार ने डायरेक्ट किया था उस नाटक में मेरा बहुत अच्छा रोल था अच्छा काफी अच्छा रोल था मतलब तो अच्छा मेरे डायरेक्टर को पूछा यार वो एक्टर कौन है मुझे मिला उससे अच्छा हाँ सो जब मेरे डायरेक्टर बोले सलीम खान आए थे उन्होंने आपके रोल को बहुत पसंद किया उन्होंने कहा सलीम खान के घर गया और उनके से मिला उन्होंने बड़ी इज्जत मुझे दी चाय पिलाया और कहने लगा यार तुम्हारा रोल मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कुछ फिल्में लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए मैं कर हूँ उसके बाद वो फिरोज़ खान के लिए लिख रहे थे जाबाज़ और महेश भट्ट के लिए लिख रहे थे कब्जा अच्छा जी जी ओके okay. कब्जा जो संजय दत्त थे और उसमें अब ये थे अपने राज बब्बर थे और अमृता सिंह थी परेश रावल थे ऐसे करके तो उसमें मेरे को एक रोल दिया भट्ट साहब ने इंट्रोड्यूस किया भट्ट साहब को उन्होंने कहा कि ये मुश्ताक खान इनसे तो उसके बाद जब मैं भट्ट साहब के साथ वो करना किया मैंने कब्जा उसके बाद भट्ट साहब ने मुझे कम से कम पंद्रह फिल्में दी हर हाँ। एक के बाद एक एक के बाद एक 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 के बाद एक एक फिल्में देते गए वो अब आप देख लीजिए कब्जा सड़क साथी दिल है के मानता नहीं जुनून हमेरा प्यार के नाराज आ, साथी गुमराह सातवा आसमान मिलन ये सारी फिल्में भट्ट साहब की सही बात और सारी फिल्में हिट हुई थी ओ यार मैं जान बुझ के नहीं गिरा हूँ अंदर से फेंका गया हूं भैया ऐसे काम क्यों करते हो कि को को कोई आपको उठा के बाहर फेंके लेकिन मुश्ता खान साहब जिस तरह आपने बताया कि भट्ट साहब ने आपको लगातार पंद्रह से बीस फिल्मों में शायद आपको मौका दिया लेकिन हम जो देखते हैं इंडस्ट्री में एक रोल सा माना जाता है कि जो कामयाब टीम होती है उसी को लेकर लोग फिल्में बनाते हैं तो आप भी एक कामयाबी में एक हिस्सा था जिसकी वजह से भी शायद मैं समझता हूं महेश भट्ट ने आपको लगातार फिल्में दे दी तो दो फिल्में मैं भूल जो बहुत बड़ी हिट थी मेरी एक तो हमें राय बिल्कुल हमेरा प्यारा हाँ। हमेर प्यारिया जो आमिर खान और चावला थी अरे घर से नहीं हुए घर से नहीं हुए रस्ते से अच्छा? पूरा का माल भरा टेम्पो लेके गायब कर दिया और एक और फिल्म थी सर जिसमें नशीन शाह थे और परेश भी थे वो दो फिल्में आए थे जिसमें हमें प्यार मेरा कॉमेडी रोल था और सर में मेरा दूसरा नेगेटिव रोल था जिसमें मैं मर्डर वर्डर भी करता हूँ और दोनों फिल्में हिट हुई थी हमारे बॉलीवुड में ये माना जाता है कि जो हिट टीम होती है उसी को हम रिपीट कर रिपीट, रिपीट कर, कर। जी जी बिल्कुल सही तो अब अगर ऐसा चलेगा तो जो नया आर्टिस्ट आ रहा है जो बॉलीवुड में खत्म जमाना चाहता है उसके लिए तो स्कोप्स खत्म हो जाएंगे आप क्या मानते हैं आ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है आप जैसे मैं आप बताता हूँ मुझे मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ दो फिल्में मेरी रिलीज हुई यहाँ मेरे प्यार के कॉमेडी और दूसरी वो अब उसमें क्या हो जाता है कि एक बात आपकी सही है कि जो ज़्यादा फिल्म चलती है ना उसी को लोग रिपीट करना चाहते हैं वही बात मैं कर रहा हूँ हालांकि सर में मेरा डिफरेंट रोल था नेगेटिव रोल था बट मुझे ज़्यादा ऑफर आए कॉमेडी रोल के बिकॉज़ आमिर खान थे उसमें जूही चावला थी और वो फिल्म ज़्यादा से नहीं थी लोगों ने ज़्यादा पसंद किया था तो मुझे ज्यादातर मुझे कॉमेडी के रोल मिलने लगे अब मैं मैं बड़ा परेशान होता था कभी कभी मेरे मैं दूसरे रोल भी करना चाहता हूँ रोल भी करना चाहता हूँ मैं थोड़ा पॉजिटिव रोल भी करना चाहता हूँ सीरियस रोल भी करना चाहता हूँ लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गया था कि जो भी रोल मुझे ज्यादातर आते थे वो कॉमेडी रोल आते थे नहीं एक आर्टिस्ट के साथ जो टैग लग जाता है उसको मिटाना बड़ा मुश्किल होता है बहुत मुश्किल हो जाता है तो बहरअल लेकिन आपने वो स्टाइल तरह तरह के रोल तरह तरह के किरदार अदा किया है और कामयाब भी रहे तो मैं एक सवाल ये जानना चाहूंगा वो ये कि हम हैं राही प्यार के उसका जो प्लॉट था उसका जो सीक्वेंस था फिर आपके जो कॉमेडी के डायलॉग थे उसमें नई सी जान पैदा कर रहे थे और फैमिलीज बहुत ज्यादा पसंद करती थी तो इसका जो ऑब्जर्वेशन था उस रोल के लिए वो कहाँ का था देखिए क्या होता है ना बहुत सारी चीजें होती है इसमें राइटर लिख देता है करेक्टर आपका डायरेक्टर आपको डायरेक्ट करता है और एक्टर जो है उसको एक्ट करता है तो जब मुझे कहा गया कि भाई ऐसा 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 रोल है आपका और आप जो है बिहार के रहने वाले हैं और आप जो है जापान में चार साल आपने ट्रेनिंग लिया है और चार साल ट्रेनिंग में लेकर के आ आकर के आप एक ऐसे गवर्नमेंट फैक्ट्री गवर्नमेंट फैक्ट्री है जो इसके जीजा की है जो बाद में आपकी संभालता है उसमें आकर के आप मैनेजर बनते हैं अब ये था कि आप क्या करना है इसमें यू नो तो मैंने कहा आप बिहार है तो थोड़ा बिहारी लैंग्वेज लेना पड़ेगा है अब बिहारी लैंग्वेज में थोड़ा सा हमने वो टाइम पे बिहारी लैंग्वेज उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं, नहीं, नहीं थी लेकिन वो थोड़ा हमारे पता किया हमने कि यार बिहार के कौन कौन लोग हैं कैसी बात कैसी बात करते हैं अचार और तो कैसे कह कैस सकता हूँ हाँ अच्छा। हम तो कह रहा हूँ उसका ध्यान से सुनिया है हाँ, ना तो बोलो अच्छा। इस तरह का उनका लहजा होता है तो लहजा पकड़ा लहजा पकड़ा करीबी दोस्तों से जिस गेस्ट हाउस में हम रहते थे उसमें एक दो लोग बिहारी भी थे अच्छा। उनसे भी थोड़ा गुफ्त किया अच्छा। तो वो उनको पकड़ा कि यार समझे ना तो उनमें एक लेना है, अपने को, करना तो हिंदी में ही है लेकिन आपको लेना है। दक्या, दक्या, अब हम चार लाख कॉलर बना लिए हूँ समझे ना अब हमारे पास कपड़ा नहीं है लेकिन हम जापान में ट्रेनिंग लेके आया हूँ है ना इस तरह का वो था वगैरह सब करता हूँ अब वहां से वो ले लिया लैंग्वेज ले लिया अब एक जो करेक्टर आपने देखा होगा हाँ, आप हाँ। टीचर हुआ करते तीनों क्लास में हमारे तीन साल तक वो मास्टर रहे उनका नाम था रहांग डाले अच्छा अब वो हमको पढ़ाते थे अच्छा वो डिफरेंट तरीके के बिल्कुल अब जैसे किसी ने शिकायत कर दिया सर सर ये मुझे मार रहा है अरे तुमको कोई मार रहा है तो तुम भी उसको मारो अच्छा क्या टेंशन है भाई का है अच्छा। हमें तकलीफ ऐसा उनका अच्छा। था। लेकिन उनका सबसे जो हमने जो वो लिया जो ये वो ये कि वो जो पैंट पहन के अच्छा। उस पैंट में बेल्ट नहीं होता था अच्छा और वो बेल्ट जो जो पैंट होता था वो लूज उतर होता, हाँ, लूज उतर, होता। उतर, उतर, जाता उतर था जाता। <laughs> तो वो बार बार ऐसा जाए तो बार बार उसको खींचते थे अच्छा। तो दस या पंद्रह में बेल्ट मिल जाता था अच्छा। लेकिन उन्होंने बेल्ट नहीं खरीदा <laughs> तो शर्ट और उसके नीचे वो हमेशा उनके नीचे जाए ऐसा कर ले तो वो आदत सी बन गई थी वो वो तो तो ऐसे सभी लोग जो है ना उनको चलाते थे सर आ रहे हैं सर आ रहे हमने कहा यार ये बहुत बढ़िया है वो लिया अच्छा हमने यहाँ पर भी हमने कहा आपको बेल्ट मत देना

आ गया था तो उसके बाद जब आप देखते हैं कि आपको एज ए वेलन भी कास्ट किया जाता है तो इस रोल में और उस रोल में ढलने के लिए एक आर्टिस्ट को आ, किस तरह का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए किस तरह की सोच रहनी चाहिए उस बारे में आप ज़रूर बताइए क्योंकि वो बिल्कुल करेक्टर का डिफरेंट छेट था मैं क्या बिलीव करता हूँ एक्चुअली ना बहुत से लोग कहते हैं यार कॉमेडी कॉमेडी मैं नहीं समझता मैं ये समझता हूँ यार एक करेक्टर होता है एक करेक्टर होता है उसको देख के आपको हंसी आती है एक करेक्टर होता है होता है जिसको आपको देख के गुस्सा आता है एक ऐसा करेक्टर हो जिसको देख करके आपको तरस आता है वो होना चाहिए अब ये है कि आप जैसे आपने नेगेटिव करेक्टर की बात की अब नेगेटिव करेक्टर है वो नेगेटिव क्यों हो रहा है वो अपने मतलब के लिए हो रहा है मैं ये देखता हूँ मैं ये नहीं देखता कि यार वो विलेन ऐसा करता है ऐसा बोलेगा ऐसा करेगा ऐसा आग दिखाएगा और ऐसा कुछ कुछ करेगा तो विलेन हो जाएगा ऐसा नहीं है विलेन मतलब ये है कि वो है ना अपने मतलब के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है सीधी सी बात है ना अपनी तकलीफ पहुंचा रहा है दूसरों को अपने फायदे के लिए यानी तो गलत काम कर रहा है वो तो हम जैसा कि मैंने और मैं हर करेक्टर कोई भी करेक्टर होता ना तो मैं सीधा अपने अपने गांव चला जाता हूं फिर दूसरे शहर चला जाता हूं या अपने आस पड़ोस में चला जाता हूँ अगर कोई मुझे वो शराबी का रोल देता हूँ तो यार हमारे यहाँ शराबी एक आता था ऐसा करता था वो ऐसा करता था बनिया हमारा है तो ऐसा करता था एक डॉक्टर है वो इस तरह की बात करता है ऐसा कुछ आकाज करते रहता है उसका वो उस तरह का मैं करेक्टर लेता हूँ ओके okay. हाँ तो ऐसे विलेन के लिए भी अगर होता है ना तो मुझे उसमें फिर मैं अपने अंदर से लेके आता हूँ ये सारा कमीना आदमी है ये एक जड़ा आदमी है तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि सारे आपको समझ में आता है कि यार हराम झूठ यार, बोल रहा है ये आदमी जो है वो है नहीं जो बाहर से दिख रहा है वो है नहीं समझे ना तभी वो तभी तो गुस्सा आधा ना साला यार ये तो कमीना आदमी है तो या तो बुरा आदमी है तो नहीं जब बुरा आदमी है तो वो उस तरह से हम उसको फिर इन्वॉल्व करते हैं फिर उसके बाद फिर अपने आप में लेके आते हैं उसको और थोड़ा कुछ मैनजम बनाते हैं कुछ इस तरह से कर लेते हैं लेकिन देखिए एज ए वेलन आपने जिस तरह बताया कि भाई हर करेक्टर को आप बगौर देखते हैं तब जाके उस करेक्टर को आप निभाते हैं वेलन जो शख्सियत है मैं समझता हूँ ऐसे लोगों से तो आपका पारा नहीं पड़ा होगा या वास्ता नहीं पड़ा है <laughs> जिससे इस तरह का रोल निकाला जाए तो आपकी अपनी कोशिश भी होती होगी हाँ हाँ जी जी तो इसका पार, मतलब पार। ये हुआ कि मुझे बहुत से लोग बोल जैसे भट्ट साहब भी बोला करते थे नहीं नहीं यार तुम तो विलन के लिए तुम तो नहीं हो फिट नहीं हो ऐसा बोलते अरे मेरा क्यों नहीं है भाई क्यों नहीं है ऐसा क्यों नहीं क्यों नहीं कर सकते नहीं 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 तुम में जो वो मिजाज जो है वो जो तुम्हारी जो तरबियत है या जो तुम में जो है वो होता है वो वो नहीं है <laughs> <स्थाथ या चारे। laughs> स्थाथ। स्थाथ। जी भाई बता जरा मेरी एक टांग नकली है मैं हॉकी का बहुत बड़ा अरे वो नहीं मूरत पर क्या हुआ बता मुहूर्त <laughs> अरे वो तो कमाल हो गया <laughs> सुनील शेट्टी को निकाल के भाई को हीरो ले लिया डायरेक्टर में अच्छा मुश्ताक खान साहब आपने तरह तरह के किरदार निभाए हैं तो सबसे बेस्ट आपको किरदार क्या लगा जिससे आपको ये किरदार अदा करके एक सेटिस्फैक्शन हासिल हुआ हो लेकिन यार ऐसा होता है जॉनी साहब किरदार तो आप करते रहते हैं और आपको सभी किरदार अच्छे लगते हैं और कई बार आप ऐसा बोलेंगे नहीं नहीं यार मज़ा और और किरदार कुछ और मिले कोई और अच्छे मिले कोई और अच्छे मिले ऐसा ये ये लालच है ये कभी ख़त्म नहीं होता है लेकिन ठीक है आप, आपके जवाब के लिए मैं यही कहूँगा कि भाई जैसे हमें राय प्यार के करेक्टर मेरे को बहुत अच्छा लगा फिर मेरा सर का जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मुझे बहुत अच्छा लगा अब और मैंने एक एक फिल्म की थी वो तो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई अदरवाइज मैं बोलता एक फिल्म मैंने की थी मुजफ्फ़र अली की आ, उसका नाम था अंजुमन अच्छा हाँ वो सर उसमें इतना बढ़िया रोल था मेरा राही मासूम रजा साहब ने लिखा था वो पूरी फिल्म लिखी थी वो शबाना अजमी फारूक शेख उसमें थे उसमें मेरा फर्स्ट हाफ कॉमेडी था जो अच्छा। कि मतलब शेर व शायरी सुना करके शबाना को अपने तरफ करना चाहता है उसको बताता है कि मैं तुमसे इश्क करता हूँ और जब उसको किसी के ज़रिए पैगाम भेजाता है और उसको क्योंकि गरीब घर की लड़की होती है तो सब ड्यूट करता है और मजबूर कर देता है कि शादी तो मुझसे करनी पड़ेगी और जब मैं बारात लेके जाता हूँ तो एन वक्त में आ, उसका ज़मीर जागता है और वो कबूल करने से इनकार कर देती है अच्छा फिर सेकेंड हाफ में मैं उससे बदला लेने की मेरी इतनी बड़ी बेजती की मेरे मेरी बारात को लौटा दी इसने मैं आई बिकम विलेन तो हाँ तो वो 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 कमाल नेगेटिव शेप था नेगेटिव शेप था तो फर्स्ट हाफ ये था सेकंड हाफ ये था बट अनफॉर्चुनेटली होता है बहुत सारी फिल्में नहीं रिलीज होती वो फिल्म रिलीज नहीं हुई सर तो वो अंजुमन आपकी अंजुमन अंजुमन <laughs> अंजुमन में ही रह गई जी जी वही रह गई वो <laughs> आ, तो ये बताइए कि जब आपने अंजुमन का जिक्र किया तो क्या अंजुमन रिलीज होती तो आपके कैरियर में कुछ और बदलाव आता या फिर आपको अलग तरह के किरदार या आपकी पहचान अलग होता नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब ठीक है जो होना था वो तो होता <laughs> है क्या है लेकिन अभी ऐसा मेरे साथ ही नहीं बहुत से लोगों के साथ होता है तो वो उसको मैं ज्यादा वो नहीं करता लेकिन एक है टीस जैसी रहती कि नहीं यार एक बहुत अच्छी फिल्म थी है ना इसमें बड़ा अच्छा किरदार था बड़ी अच्छी लिखी हुई फिल्म थी और अच्छी फिल्म बनी थी और मेरे हिसाब से मेरे लिए तो बहुत कमाल थी सभी लोग कहते अरे यार कमाल 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 क्योंकि मेरे लिए वो फिल्म बहुत सही बात है बट क्या करें चलिए तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा तो नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद नाजरीन सियासत टीवी की ताज़ा तरीन खबरें मुशायरे मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरी प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास टेलीकास्ट भी देख सकते हैं यूट्यूब सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सके वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने व स्टाइल एक्टर मुश्ताक खान साहब से मुश्ताक खान साहब कैरियर की शुरुआती दौर की बातें आपने बताई और अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे अपने कैरियर से जुड़ी मुश्ताक खान साहब आपने तो खैर तरह तरह के किरदार निभाए हैं और बहुत बढ़िया लेकिन ख़ास बात यह है कि वेलकम जो फिल्म थी वो फिल्म में आपका जो डायलॉग था काफ़ी पॉपुलर हुआ और मैं चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन को भी उस फिल्म के बारे में आप ज़रूर बताएं। या, या, वेलकम का जो मेरा करेक्टर था बल्लू वो, वो काफ़ी फेमस हुआ अनीस भजवी डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे ये जब रोल दिया था तो मेरी समझ भी नहीं आ रहा कि ये रोल है नहीं है क्या हुआ बट उन्होंने कहा नहीं नहीं ये बहुत अच्छा रोल है आप देखो आगे चल करके आपको लोग काफ़ी पसंद करेंगे और हुआ वही और एक्चुअली ये करेक्टर है एक विजिटिंग कार्ड का नाना पाटेकर एंड अनिल कपूर ये जो गैंग हैं गैंगस्टर्स हैं ये फेक गैंगस्टर्स हैं और किसी को डराना हो किसी को धमकाना हो किसी को अपने कंट्रोल में करना हो तो ये uh, मुझे सामने लाते हैं और कहते हैं कि बता बल्लू और मैं शुरू हो जाता हूँ कि मेरी एक टांग नकली है मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था एक दिन मेरे मुंह से उदय भाई के लिए कुछ गलत निकल गया तो उदय भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के दो टुकड़े कर दिए लेकिन दिल के बहुत अच्छे फौरन अस्पताल लेके गया ऑपरेशन करवाया नई टांग लगवा दी घर तक छोड़ने आए पैसे दिए बीवी के लिए साड़ी बच्चों के लिए खिलौने वगैरह लेके आए मेरी एक टांग बस 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 बस

तोते की तरह हम इसको लेके आए तोता बोलता है जैसे उसको मशीन चाबी खोल तो चाबी वो शुरू हो जाता है तो ये कई जगह पे हो जाता था ऐसा बता बल्लू बता बल्लू तो वो थोड़ा सा फनी था और हमने उसको तोते की तरह रटने वाला वो ऐसा लगे कि हाँ ये चाबी घुमा दो तो ये बोल तो वो कुछ भी पूछेगा तो बोले बता बल्लू तो वो शुरू हो जाता वही बोले अरे नहीं 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 वो नहीं यार कुछ और ये ऐसा बता तो वो सारी चीज़ें थी और न, सबसे बड़ी बात क्या होती है सर कि आप कुछ भी करें कोई भी करेक्टर करें कितना ही अच्छा करें फिल्म का चलना बहुत ज़रूरी होता है जब तक फिल्म नहीं चलती तब तक आप भी नहीं चलते वही हाल होता है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा क्या बात तो है? इसका इसके लिए ज़रूरी है कि वो थिएटर में फिल्म जो लगती है वो अच्छी हो और हिट हो लोग उसको पसंद करें तो आपको पसंद करते हैं तो अभी मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपने पिछले दिनों रोजनामा सियासत पर मबनी एक बहुत ही खूबसूरत सी डॉक्यूमेंट्री में एक बेहतरीन रोल आपने अदा किया वो फ़िल्म आपको किस तरह ऑफ़र हुई और वो फ़िल्म करने के बाद आपने क्या महसूस किया उस बारे में आप जरूर जरूर बहुत खुश नसीबी है ये कि मुझे एक कॉल आया हैदराबाद से आ, जी कौन बोल, रहा है? आ, बोल रहे हैं बोले मुश्ताक साहब मैं खदीर बोल रहे अच्छा बोल रहे खदीर बोल रहे मैं ये लोग क्या होता है और मैं बोलूँगा तो कदीर बोलूँगा अच्छा कदीर ये खदीर बोल रहे हैं। अच्छा। तो मैं खदीर साहब क्या बोल रहे हो तुम्हें डायरेक्टर हूँ बहुत है डायरेक्टर को सुनते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि डायरेक्टर मतलब कुछ कुछ ना रोल देगा काम मिलेगा काम। <laughs> <laughs> मतलब की बात होगी <laughs> के, के तो उर... <laughs> <laughs> तो जनाब उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा ऐसा ऐसा है खूबसूरत कहानी पर फिल्म बना रहा हूँ मुशाफा ये मेरा मेरा एक ही दिन मेरे को आपका चाहिए बट आपका रोल बहुत बढ़िया है और आपके साथ बम्बई के दूसरे जो आर्टिस्ट हैं शाहबाज खान वो भी हैं और आप दोनों मेरे लिए मेन करेक्टर है आपका इंस्पेक्टर का रोल है आपका और ये ऐसा वैसा ये सब तो मैंने कहा ठीक है सब करेंगे करेंगे फिर डेट फिक्स हुई वो आए थे मुंबई आए थे अच्छा भाई हाँ मुंबई आए मुंबई में मुलाकात हुई वो सारी बातें हुई सारा मुझे करेक्टर सुनाया ये वो सब किया और फिर मैं शूट करने के लिए हैदराबाद आया हैदराबाद आया है, है, काफ़ी दूरी पर कुछ एक फिली जैसी थी वहाँ पर लेके गए उन्होंने पुलिस स्टेशन का सेट लगा हुआ था फिर मुझे उन्होंने कहा कि भाई ये रोल है, ऐसा, ऐसा, ऐसा है और करेक्टर ये है और लैंग्वेज ये है और एक्सेंट मुझे ये चाहिए अच्छा हाँ वो भी तो चैलेंज वाला चैलेंज वाला, वाला बोले जॉनी भाई तो मतलब मैंने कहा यार ये तुमने मुंबई में बताया नहीं था मैंने कहा मैं हैदराबादी एक्शन तो ले लूंगा ठीक है मेरे को प्रॉब्लम नहीं है बट उनको हैदराबादी एक्शन एक्शन हैदराबाद का नहीं उनको गांव का चाहिए था अच्छा बोले ऐसा नहीं 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 गांव में ऐसा नहीं बोलते ऐसा नहीं बोलते ऐसा बोलते मैंने कहा कैसा बोलते हैं बोले नहीं नहीं मैं मैंने कहा एक्शन तो दे रहा हूँ नहीं नहीं उनका अलग होता है बहुत मुश्किल था वो मैंने कहा भाई मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया यार क्या करूँ मैं बोले मैं बताता ना मैं आपको मैंने कहा ठीक है आप बताओ तो वो मुझे बोलते थे एक लाइन बोलते थे मुझे और उस लाइन को मैं पकड़ करके फिर वो अपनी लाइन बोलता था तो बट एक थोड़ी देर के लिए आधा पौने घंटे के लिए तकलीफ उसके बाद फिर वो मज़ा आने लगा उसमें करेक्टर में और तो काफ़ी सुलझे हुए डायरेक्टर हैं और मेरा ख्याल है राइटर भी अच्छे हैं वो है ना तो और सबसे अच्छी बात ये है कि पूरी टीम में मुझे वन मैन शो लगे मतलब कि पूरा उन्होंने अपने अपने ऊपर ले लिया था कोई ऐसा कुछ नहीं कि कोई बहुत अच्छा असिस्टेंट डायरेक्टर हो या बहुत बड़ा प्रोडक्शन हो या कुछ नहीं बट उन्होंने जिस तरह से जितनी उनको जो उनकी लिमिट्स थी उसके हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा किया और वो रोल करके मुझे इंस्पेक्टर का रोल करके मुझे बहुत मज़ा आया सियासत नाम से वो फिल्म किया था और सुबह मुझे बोला था कि शाम तक आपका हो जाएगा बल्कि मुझे चार बजे छोड़ दिया उन्होंने अच्छा हाँ सुबह से शुरू करके मतलब चार बजे मैं फ्री हो गया था शाम की फ्लाइट से तो मैं वापस भी चला गया था बट ये था कि कभी कभी हम बहुत ज्यादा दिनों में काम करते हैं रिजल्ट उतना नहीं आता है बड़ी फिल्मों में तो खैर हम अगर ये जितना इन्होंने काम किया है कोई बड़ी फिल्म होती है तो यही मेरे लिए कुछ चार या पांच दिन का काम होता सही बात जो इन्होंने कुछ घंटों में खत्म कर दिया समझे ना बजट भी तो होता है ना मुस्तक साहब नहीं नहीं बजट के हिसाब से भी देखिए काम नहीं क्या होता देखिए अब बजट तो खैर मानता हूँ मैं आपकी बात और उनको खत्म करना होता है लेकिन उस बजट में उस बजट में और कम बजट में और कम टाइम में जो आप अच्छा काम करवा लें और अच्छी चीज बना लें वो सबसे बड़ी बात वो होती है ऑडियंस को ये मतलब नहीं है कि आपने इस फिल्म को चार दिन में बनाया या चालीस दिन में बनाया हाँ भाई अब इसलिए जो बड़े बजट की फिल्में बनती है लैविश होता है मामला और एक एक गाना वो लोग आठ आठ दस दिन में करते हैं वो उनका अपना है लेकिन जिसका बजट कम है लेकिन आप आप अगर आपका बजट कम है तो फिर आपको इतना परफेक्ट होना पड़ेगा आपने बिल्कुल हाँ, वो तो हर चीज आपकी परफेक्ट होना पड़ेगा कि मेरे को ये है अदरवाइज फिर आपका फैल जाएगा वो तो डायरेक्टर शुड बी मतलब तो परफेक्ट वो क्लियर होना चाहिए उसके उसके दिमाग में हाँ कि मेरे को ये चाहिए तो यही चाहिए बस हो गया इतना ही चाहिए मेरे को और कुछ नहीं जब तक डायरेक्टर क्लियर नहीं होगा और सेटिस्फाई नहीं होगा अपने काम बेचक काम बनता नहीं तो उन्होंने खदीर भाई ने खदीर सॉरी खदीर भाई ने बहुत बढ़िया काम किया मजा है अच्छा मुश्ताक खान साहब वैसे हम आपको बता दें कि हैदराबाद की भी एक इंडस्ट्री है जिसे द कोन उड कहा जाता है बहुत सारी फिल्में इलाकाई जिस तरह भोजपुरी है जी, जी जी अगर मान लीजिए कि अगर मौका मिल जाए तो क्या आप इस इंडस्ट्री से भी जुड़ना चाहते हैं बहुत जरूर जरूर और मैंने मैं आपको बताऊँ यहाँ के जो लोकल बहुत कॉमेडी फिल्म देखी है बहुत अच्छी बनाते हैं लोग से बताओ एक तो क्या नाम है जॉनी भाई यहाँ का लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है मेरे को क्या बोले तो हैदराबादी हाँ, फ्लेवर है और बहुत बहुत जो फ्लेवर है जो है ना ये बोलने का जो अंदाज़ है ना वो बोझ बहुत अच्छा लगता है और दूसरा क्या है इनके कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं जी। और अच्छे और बड़ी ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो हमको बहुत मजा आता है कि जहाँ पर क्या बहुत क्लियर हैं हर चीज़ पर क्लियर हैं आपकी कहानी क्लियर है आप आपका हर जो आपने कहा कहा है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं तो आर्टिस्ट को और क्या चाहिए सही बात है जी बिल्कुल सही बात है लेकिन मुश्ता खान साहब एक सवाल मैं ये सड़क कड़वा सा सवाल है पिछले दिनों फैमिली फिल्में बनाई जाती थी कॉमेडी बेस्ड फिल्में बनाई जाती थी आज वैसा नहीं हो रहा है बल्कि आप देख लीजिए कमर्शियल फिल्मों का बहुत ज़्यादा चलन है तब भी फिल्में नहीं चल पाती ऐसे में जो सीनियर एक्टर्स हैं वो क्या कर सकते हैं और वो क्या कर रहे हैं बहुत ही जेड़ा सवाल है ये और मैं आपको एक बात बता दूँ कि पहली बात तो ये है कि चलो आपने जैसा कहा कि वो फिल्में जो पहले बनती थी अब नहीं बन रही हैं तो वो चेंज तो खैर आना चाहिए और मैं तो कहूँगा कि बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो नए नए लड़के आए टैलेंटेड हैं अच्छी फिल्में बना रहे हैं ऐसी बात नहीं है बट हाँ अब फिल्में जो फैमिली के के लिए होती थी वो उस तरह की फिल्में अभी नहीं बनी हैं जो फिल्में पहले बनती थी गृहस्थी बना दी आपने घराना बना लिया आपने भाई भाई बना दिया आपने परिवार बना दिया आपने तो उस तरह की फिल्में अब नहीं बन रही हैं अब थोड़ा सा मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब और वो हालात भी वैसे हो गए हैं क्योंकि हम जब फिल्मों की शूटिंग करते थे पहले तो एकदम इतन, इतना भाईचारा होता था हम लोग आपस में मिल काम करते थे रात में सब मिल के खाना खाते थे और एक दूसरे के घर जाना ये वो तो, अब वो नहीं हो गया अभी तो इतना ज़्यादा प्रोफेशनल मामला हो गया है कि मतलब तो आए कट हाय हेलो हाय बस वो कर सेट पे मिले और मतलब उसके बाद जो अपने रूम पे गए वो अपना रूम पे गए आउटडोर में भी जाते हैं तो कोई किसी से कोई मिलता नहीं है वो सेट पे पर हाय गुड मॉर्निंग हाई हो तो इसके अलावा और कुछ नहीं है तो, तो वो जो एक था एक रिलेशन जो हुआ करता था जो प्यार मोहब्बत जो थी वो भी वो भी कम हुई है उसकी वजह से फिल्में भी वैसी बन रही हैं तो अब हमारे लिए तो क्या है हमारे जितने हमारे जितने हमारे जैसे जितने भी पहले के जो आर्टिस्ट कह लीजिए आप जो एट्टीज़ के नाइन्टीज़ के जो है तो ठीक है अब काम तो करना है सर बिल्कुल अब आई एम नॉट द प्रोड्यूसर आई एम नॉट द डायरेक्टर कि मैं वही फिल्म बनाऊंगा वैसी फिल्म बनाऊंगा जैसी फिल्म बन रही है जैसे आपको रोल बन रहा है आपको इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन एक बात है मुश्ताक खान साहब जिस तरह आपने तरह तरह के किरदार अदा किए और एक अपना नाम बनाया आज जो आर्टिस्ट आ रहा है उसको एक फिल्म मिलती है उसके बाद वो गुमनामी के अंधेरे में चला जाता है ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री का या अगर बॉलीवुड को हम देखते हैं तो क्या हाल होगा आपकी नज़रिए से बताइए हाल तो खैर बहुत, 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 बहुत पिछले दिनों में फिल्में नहीं चल रही बड़ी बड़ी जैसे आप आर्टिस्ट का ही बोल रहे हैं आप अब देखिए मैं छोटी सी बात मैं आप लोग कर रहा हूँ पहले जो फिल्में बनती थी जब हम फिल्में करते थे ना तो जो एक फिल्म बनी साहब एक साल डेढ़ साल दो साल जो भी है वो फिल्म बनती है वो फिल्म रिलीज़ थिएटर में जाती है फिर उसके जो है ना सर उसके पता चलता है पचास दिन हो गए फिर पता चलता उसके सौ दिन हो गए फिर तो चला यार पंद्रह वीक हो गए फिर मतलब सिल्वर जुबली हो गया फिर वो अच्छी बहुत अच्छी फिल्म गोल्डन जुबली आजकल की फिल्मों का तो आप देख लीजिए दो तीन दिन के बाद कदम मतम हुआ तो वो जो पहले जो हम फिल्में किया था हमको अच्छी तरह हमारी जो फिल्म आशी की रिलीज हुई थी या हमें प्यार की रिलीज हुई थी ऐसा तो हंगामा होता था सर ब्लैक में टिकटें भी बिक्री हमने खुद ब्लैक में टिकटें खरीद करके फिल्में देखी हैं लाइन में लग करके हमको क्या नहीं यार टिकट नहीं मिला यार क्या करो यहाँ तो बोल कुछ एक्स्ट्रा टिकट किसी का हो किसी के पास हो तो दे दो भाई ऐसा हम लोग थिएटर में जा करके करते थे या नहीं तो चलो ठीक है अगर पैसा है तो थोड़ा सा थो ज्यादा पैसा लेकर ब्लैक में टिकट खरीदते वो क्रेज था वो बात होती थी, थी अब वो नहीं है तो अभी वो अब कितनी भी फिल्में तो वो सोल नहीं है फिल्म में काम हो, होने का तो उसकी वजह से अब जो दूसरा जो आपका पॉइंट था कि भाई आर्टिस्ट एक फिल्म में आता है काम करता है चला जाता है उसके बाद पता नहीं चलता उसका दाम ही नहीं होता क्योंकि वो देख नहीं पाता नहीं लोग अभी जो फिल्म आई एक रिलीज हुई वो दो तीन दिन में वो पहले दिन में ऑडियंस देख रही थी क्या है क्या नहीं अच्छा दूसरा क्या हो गया थिएटर जो अभी जो ये मल्टीप्लेक्स हाँ, हो हो ना सिंगल स्क्रीन खत्म गया हाँ, हाँ। तो मल्टीप्लेक्स होने की वजह से आम आदमी नहीं जा पा रहा है अंदर क्योंकि वो आम आदमी जा रहा है पांच सौ हजार रुपए की टिकट कौन खरीदेगा उसके बाद अगर वो कुछ खाना चाहता है उसको पॉपकॉर्न समोसा भी उसको एक सौ रुपए का डेढ़ सौ रुपए का मिल रहा है तो एक पिक्चर देखने जाता है अपनी फैमिली के साथ तो बुला तीन चार हजार रुपए के तो ये भी देख मसला है ना तो वो थिएटर में लोग जा ही नहीं रहे अभी है ना अब सिंगल स्क्रीन रह ही नहीं गई है बहुत कम हो गया है जो बड़ा थिएटर जो नहीं लेकिन मुशाह खान साहब आपको क्या लगता है क्या ये सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं उससे भी इंडस्ट्री को उससे भी हुआ है? हुआ है उससे भी हुआ है डेफिनेटली हुआ है कि भाई अभी फ़ोन पे देख लिया फिल्म या ठीक है ठीक है ओके थोड़ा सा पार्ट देख लिया उसके बाद उसको रख दिया ऐसा भी हो गया <laughs> नहीं भाई थरे? अगर ऐसा होगा तो फिर नया आर्टिस्ट आएगा नहीं कदम जमाएगा नहीं और फिर वेब सीरीज का चलन है भाई वेब नहीं लेकिन एक ये अगर ये है तो फिर दूसरी तरफ ये भी है कि अगर एक तरफ आपको ये धोखा घाटा मिल रहा है तो एक फायदा भी ये भी है जैसे मैंने कहा कि जब मैं आता तो, था तो इतना स्ट्रगल था इतना हार्ड स्ट्रगल था इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन टू फिल्म बहुत मुश्किल होता था लोग घुसे नहीं देते थे थिएटर दे, ऑफिस में हम लोग ऑफिस में धक्के मार खा खा के जाते थे आज तो कम से कम इतना है कि इतना काम है इतना काम है वेब सीरीज है सीरियल्स हैंड फिल्म हैं डॉक्यूमेंट फिल्म हैं शॉर्ट फिल्म हैं फिल्म हैं बहुत ज़्यादा माध्यम है तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं, ना कहीं तो आदमी तो आता है और काम मिल जाता है उसको एक अलग बात है कि अब वो किस तरह से कितना सर्वाइव कर नहीं नहीं लेकिन एक बात है मुश्ता खान साहब देखिए काम तो आपको हाथों तो हाथ मिल जाएगा फिर आप काम तो कर लेते हैं लेकिन अपना नाम बनाने के लिए वहाँ पर टिके रहने के लिए फिर एक और मुश्ताक खान साहब क्यों नहीं आता या फिर उस शख्सियत कहाँ आएगी ये बताइए मुझे ये बात तो है आप उसके लिए तो यही कहूँगा मैं कि भाई आपकी अपनी अपनी हर एक की एक डेस्टिनी भी बहुत बहुत काम करती है इसमें आप देख लीजिएगा बहुत किस्मत भी बहुत बहुत ज़रूरी होती है आप मेहनत करते हैं आप टैलेंटेड हैं सब कुछ है लेकिन मैंने जैसा आपको अपने बारे में बोला इंजुमन के बारे में या बहुत सारे आर्टिस्टों के बारे में मैं जानता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया बहुत मेहनत की लेकिन नहीं चल पाए और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं कि भाई एक ही फिल्म की और वो इतने ज़्यादा हिट हो गए तो अब ये है कि पहले पहले आ, सौ में पचास साठ फिल्में हिट होती थी अब सौ में चार या पाँच फिल्में हिट होती तो उसमें तो नुकसान हो गई हो <laughs> सही है तो बहरहाल मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आप काफी मसरूफ रहते हैं उसके बावजूद भी आपने इस शो के लिए वक्त निकाला हाँ चलते चलते आखिर में जो नौजवान इसको कैरियर के तौर पर चुनना चाहते हैं या फिर इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा दे आर वेलकम दे आर ऑल आप जो भी हैं जितने भी लोग यहाँ पर आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं क्योंकि हम आए हैं जाएंगे फिर कोई आप आएंगे फिर जाएंगे तो चल बस मेरा मत यही कहना है कि आप आइए जरूर आइए बट अपने आप को तोलिए बिकॉज यू कैन जज यूर सेल्फ वॉट यू कैन डू बेटर यू आर अ जज यू आर अ जज यूर सेल्फ जज यूर सेल्फ एंड कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है आप इस इंडस्ट्री में सिर्फ ये नहीं कि मेरे को चकाचौ को देख के मत आइए ये ऐसा मत आइए कि मैं स्टार बन जाऊंगा और बंगला होगा गाड़िया होगी नहीं उसको आप रियल आप एक्टर एज एन एक्टर आप अभी वो नहीं है कि और ये भी नहीं है कि आपका लंबाई इतनी होनी चाहिए खूबसूरत होना चाहिए नो नो आज की डेट में तो उन कलाकारों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है जो रियल कलाकार हैं तो रियल कलाकार अगर आप हैं आप में हिम्मत है आप में पेशेंस है और आप आइए आप आइए आप देखिए और अपना अपनी किस्मत आजमाइए किस्मत काम भी करती है लेकिन सबसे ज़रूरी है आपकी मेहनत आपका टैलेंट का होना और आपका कॉन्फिडेंस ये सारी चीज़ें लेकर आइए और ये सोच के आई कि हाँ भाई मुझे स्ट्रगल करना है क्योंकि स्ट्रगल और संघर्ष के बिना जो चीज़ जो चीज़ मिलती है उसमें उतना मज़ा नहीं आता संघर्ष के बाद जो मकाम आपको हासिल होगा उसमें आपको बहुत लुफ्फ़ आएगा बहुत मज़ा आएगा तो आइए और ज़रूर आइए लेकिन अपने आप को टटोलिए और देखिए कि हाँ मैं एक्टिंग कर सकता हूँ और मुझे एक्टिंग करना चाहिए इम्प्रूवमेंट यहाँ होता है बहुत इम्प्रूवमेंट होता है अगर आप अच्छे एक्टर हैं धीरे 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 अपने आप में आप पॉलिश करते जाएंगे और आपकी जो जितनी भी कला है वो बाहर आती जाएगी तो ऑल द बेस्ट टेक केयर तो बहुत बहुत शुक्रिया आप आए इतना थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच तो नाजरीन आज के लिए इतना ही ऐसे ही सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाजत दीजिए अल्लाह अल्लाह ਦਰ 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 লড় 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 লড়